बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 5 उर्दू की वर्क बुक सफ़र नंबर 67 तख्लीकी काविश ग्रुप में बात कीजिए। आजकल ग्रुप में बात कीजिए आजकल आजकल के ज़माने में और 50 साल के ज़माने में पहले क्या फ़र्क था। उन्होंने हमें ये दो दिए हैं, उन्होंने कहा है कि आजकल का जो ज़माना है उसके बारे में लिखना है और जो 50 साल पहले के दौर था उसके बारे में क्या मतलब फ़र्क है उसमें। हम इंटरनेट और ईमेल इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने हमें एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है। लोग सिर्फ ख़त या टेलीफोन इस्तेमाल करते थे, हम सफ़र के लिए गाड़ियों और जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारे लिए अब इतनी फैसिलिटीज़ हैं, गाड़ियाँ और जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो पुराने ज़माने के लोग थे सफ़र के लिए पैदल और सवारियों घोड़े उनका सहारा लेते होते थे। ठीक है, हम रबते के लिए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। पहले लोग रबते के लिए कबूतर या कासिद भेजा करते थे, कासिद होता है पैगाम देने वाला। खेती बाड़ी में जदीद मशीनरी ट्रैक्टर रोस्टर से काम लेते हैं, पहले लोग खेती बाड़ी के सारे काम अपने हाथों से दिन रात मशक्कत करके किया करते थे। साइंस में हम जदीद आलात इस्तेमाल करते हैं, पहले इन तमाम आलात का फ़कदान था, फ़कदान मतलब बहुत ज़्यादा कमी थी। मेडिकल के शोबे में लेबॉरेटरियों में नत नए तजुर्बात किए जाते हैं, मतलब काफ़ी किस्म की जो नई चीज़ें हैं वो ईजाद हो गई हैं। पहले मेडिकल की जो है वो इतनी ज़्यादा सहूलियात मैसर नहीं थी, बहुत ही कम चीज़ें होती थी। ओके स्टूडेंट्स, आपने भी ना खुद सोचना है और लिखना है अपनी तरफ से जो आपको बेस्ट लग रहा हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।